आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के मनगवा हाईवे में पेट्रोलिंग के दौरान रायपुर करसुलियान पुलिस द्वारा एक लग्जरी कार में लोड 8 पेटी नशीली कफ सिरप की खेप को पकड़ा है। पुलिस ने मामले में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा यूपी से नशीले कफ सिरप की यह खेप जिले में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। कार्रवाई को लेकर रायपुर करसुलियान थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि शुक्रवार की रात तस्कर नशीले कफ सिरप की खेप लग्जरी कार में लोड कर रीवा ला रहे थे। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद टोल प्लाजा के आगे बाईपास में घेराबंदी कर कार सहित नशीले कफ सिरप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई कार की डिग्गी में तलाशी के दौरान 8 पेटी नशीले कफ सिरप जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1,25,000 रुपए आंकी गई है। यूपी से रीवा की ओर लग्जरी कार में नशीले कफ सिरप की खेप लाते हुए पुलिस ने मौके से सुमित द्विवेदी पिता सुनील द्विवेदी निवासी ग्राम दुबगमा थाना बैकुंठपुर, विनोद सिंह पिता शिवराज सिंह निवासी रायपुर करसुलियान व कुलदीप साकेत पिता शिवनाथ साकेत निवासी समान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि वह बनारस से नशीले कफ सिरप की खेप लोड कर रीवा के रायपुर करसुलियान लेकर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया है और उनसे तस्करी में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है।